जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी साहित्य की निरंतर ट्रिकी टेस्ट सीरीज चल रही है। रोज आपकी 9:30 पर ट्रिकी वीडियो आता है, जिससे हम आपकी हिंदी साहित्य के विभिन्न प्रकार की प्रश्नोत्तर रचनाएं सारी की सारी सब कुछ ट्रिकी वे में याद करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो रोज़ आपको सुबह 9:30 है ना वीडियो आपको मिलता है। ट्रिकी वीडियो ज़रूर देखें, इसके पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। दोस्तों, आज का आपका जो पहला प्रश्न है कि भरत मिलाप की रचनाकार कौन है। अब भरत मिलाप की रचनाकार बताना है दोस्तों आपको कौन है। चार विकल्प हैं और 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं। फिर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि भरत का मिलाप किससे हुआ था। किससे हुआ था? ईश्वर से हुआ था ना। भरत का मिलाप ईश्वर है ना श्री राम से हुआ था। तो भरत मिलाप के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे? भरत का मिलाप ईश्वर से हुआ था तो ईश्वरदास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही याद हो जाएंगे दोस्तों आपको। अगला बताना है आपको, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है। प्रश्न क्रमांक 2 कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अब 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आपको उत्तर भी बताना है और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। यहाँ पर 2 चीजें हो रही हैं कि मैं आपको टेस्ट भी करवा रहा हूँ और ट्रिक से याद भी करवा रहा हूँ। तो जल्दी से बताएं, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बंगला से क्या बनेगा? बंगला, बंगला जिसमें आप क्या करते हो, बास करते हो, क्या करते हो, बास करते हो। तो बंगला भाषा में रचित जो राम कथा होगी वो कौन सी होगी? बास से कृतिवास रामायण, है ना। हमने याद कर लिया कि बंगला भाषा का आया तो बंगला में हम क्या करते हैं, बास, तो कृतिवास रामायण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सरल है, आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि हैं, थे। तो 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं दोस्तों। तो अब एक चीज बताना दोस्तों कि श्रृंगार की जरूरत किसे नहीं होती। आप बोलते ना कि खूबसूरत लोगों को सजने की जरूरत नहीं होती है, है ना। तो जो सुंदर होते हैं उन्हें श्रृंगार की जरूरत नहीं है, तो वो श्रृंगार का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो श्रृंगार रस के विरोधी कवि कौन होंगे? जो सुंदर होंगे, यानी कि सुंदरदास। और दा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अब आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, है ना। अगला बताना दोस्तों, संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है। संत काव्य धारा भक्ति काल की जो संत काव्य धारा थी, है ना, वो बताना है, जिसे ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा जाता है। अब इसका जो प्रधान रस है वो कौन सा है? ये 4 विकल्प है, 2 सेकंड आपको बताना। मैं आपको हिंट दे रहा हूं दोस्तों कि दुनिया में संत क्यों बनते हैं, आदमी क्यों बनते हैं? आत्म शांति के लिए, कि मुझे आत्म शांति मिलेगी, इस दुनिया की भाग दौड़ में कुछ नहीं रहा है। तो संत काव्य धारा में संत बने व्यक्ति तो आत्म शांति के लिए। तो संत काव्य का प्रथम जो प्रधान रस होगा वो कौन सा होगा? शांत रस, है ना, क्योंकि ये शांति के लिए ही तो संत बने हैं। तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले आलोचक कौन थे? तो कौन थे? 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में आपको अपना उत्तर बताना है और फिर मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि दोस्तों कबीर की वाणी थी ही ऐसी कि उन्हें वाणी का डिक्टेटर एक बार नहीं, 1000 बार बोलो, 1000 बार बोलो तब भी वो वाणी के डिक्टेटर थे। 1000 बार बोलोगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। वाणी के डिक्टेटर किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि वो वाणी के डिक्टेटर थे और उन्हें एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे तब भी वो वाणी के डिक्टेटर थे, ठीक है, याद रख लेना। अब अगला बताना दोस्तों, उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड हैं आपके पास, उत्तर भी आपको बताना है। अगर बनता है तो कमेंट में उत्तर लिखते जाइए आप। उज्ज्वल नीलमणि की रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो एक बताना दोस्तों कि आप लोग पढ़ते ना कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, है ना। तो क्या हो रहा है उज्ज्वल? रूप, क्या हो रहा है? रूप उज्ज्वल हो रहा है। तो उज्ज्वल रूप हो रहा है तो उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन होंगे, कौन होंगे?
रूप गोस्वामी, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, रूप उज्जवल हो रहा है। ठीक है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला बताना दोस्तों, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। चार विकल्प हैं, चार में से एक का चयन करना है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक बताना है। और मैं आपको बता दूं कि इस संसार में विशिष्ट कौन है, कौन है विशिष्ट, राम, है ना, राम है ना। तो विशिष्टाद्वैतवाद के कौन होंगे, रामानुजाचार, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका एक है वो सही है ना। यहाँ पर कहा कि सर संसार में विशिष्ट हैं कौन, राम, तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे, रामानुजाचार। ठीक है, यानी यह नंबर आपका बिल्कुल सही हो रहा है। अगर दोस्तों वीडियो आपको याद हो रहा है, प्रश्न याद हो रहे हैं, ट्रिक अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। अब बीसल देव रासों के रचनाकार बताना है दोस्तों, बीसल देव है ना, रासों के रचनाकार कौन होंगे, दो सेकंड में आपको उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रचना कई बार पूछी गई है दोस्तों। और आपको बता दूं कि अजमेर के राजा के प्रेम प्रसंग या वियोग से संबंधित है ना, तो ये श्रृंगारिक रचना मानी जाती है और गीति काव्य मानी जाती है, ये बीसल देव रासु है ना। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, नरपति नाल, है ना। और मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि पति कितने नहीं होते, 20 नहीं होते, एक होते हैं। तो बीसल देव रासो के रचनाकार कौन होंगे, नरपति नाल, है ना, नरपति नाल, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब अगला बताना है दोस्तों, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे। समाचार सुधावर्षण, सबसे पहले तो ये चीज याद रखनी है कि ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसका प्रकाशन हुआ था 1854 में, कहां से हुआ था, कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता से हुआ था। लेकिन इसके संपादक कौन थे, तो ये चीज आपको बतानी है दोस्तों। एक चीज बताना जरा आप, कि जो आप समाचार देखते हो तो सुंदर सुंदर समाचार है ना, आप चाहते हो यार सुंदर सुंदर समाचार मिल जाए, अच्छी अच्छी खन है ना, सनसनी खबर मिल जाए सुंदर सुंदर। तो जो समाचार सुधा वर्षण है ना, सुधा वर्षण, और सुधा तो कैसी रहती है, सुंदर रहती है ना, सुधा यानी अमृत, और अमृत कैसी रहती है, अमृत रहता है आपका कैसा, सुंदर, तो श्याम सुंदर सेन है ना, ये संपादक थे। 1854 में इसका प्रकाशन हुआ था, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है और ये प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था। अब सूरदास जी आ गए, ये वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं, है ना। दो सेकंड आपको याद बताते हैं दोस्तों, फिर आपको बताना, दो सेकंड में आप उत्तर बताएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि सूरदास जो थे, इन्होंने इतनी रचनाएं की लिखी हैं, इतने दोहे लिखे हैं, जिसमें बल होगा वही तो लिखेगा कि नहीं लिखेगा, जिसमें बल होगा वही लिखेगा। तो सूरदास जी के गुरु भी कौन होंगे, बल्लभाचार्य। और इन्होंने सूरदास को इतना बल दिया कि इन्होंने बहुत बहुत दोहे लिखे, और रामचंद्र शुक्ल ने तो इन्हें वात्सल रस का क्या कह दिया, सम्राट कह दिया, और वास है ना, और इन्हें दोस्तों कह दिया, क्या कह दिया, कि जो सूरदास हैं वो क्या है, वात्सल रस का कोना कोना घुमाए हैं, है ना। इनके अलावा इस रस में इतनी प्रतिभा किसी में नहीं थी, सूरदास जी में। और सूरदास जी के जो गुरु थे वो कौन थे, बल्लभाचार्य, क्योंकि बल्लभाचार्य ने इतना बल भर दिया था सूरदास जी में, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर दो सेकंड में आपको उत्तर बताना, फिर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ कि पृथ्वी, पृथ्वी की बात आई है तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, कौन सा है, चंद्रमा। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे, चंद्रमा से आपका बनेगा क्या, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, यानी कि जो आ नंबर है बिल्कुल सही है। ये पृथ्वीराज रासो के कौन हैं, रचनाकार हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, और हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चतुर्भुज दास के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, चतुर्भुज दास, ये अष्टछाप के क्या थे, अष्टछाप में शामिल थे चतुर्भुज दास। अब एक चीज़ बताना, चतुर्भुज से नहीं लग रहा आपको कि चार भुजाएँ है ना, ये क्या करते थे, चार भुजाएँ बैठे बैठे फैला देते थे, क्या करते थे, चतुर्भुज दास चार भुजाएं बैठे बैठे फैला देते थे,
तो चतुर्भुज दास के गुरु कौन होंगे? कौन होंगे? बैठे बैठे फैलाते थे तो विट्ठलनाथ। कौन होंगे? विट्ठलनाथ। याद रख लेना, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे अष्टछाप की स्थापना हुई, 8 कवि अष्टछाप में थे, 4 कौन थे? वल्लभाचार्य के शिष्य, और 4 थे किसके? विट्ठलनाथ के। ठीक है, उन विट्ठलनाथ के शिष्यों में चतुर्भुज दास एक थे। चतुर्भुज दास ने बैठे बैठे भुजा फैला दी तो इनके गुरु का नाम हो गया विट्ठलनाथ। इस प्रकार से अगला बताना दोस्तों, संदेश राशक के रचयिता कौन है? संदेश राशक, पहले क्या होता था कि संदेश भेजते थे, बहुत दूर होता था, बहुत दूर होता था, लेकिन अब दूर नहीं है संदेश भेजना, अब दूर नहीं है संदेश भेजना। तो संदेश राशक की रचयिता कौन हो जाएंगे? अब दूर नहीं है से अब्दुल रहमान, अब दूर नहीं है से अब्दुल रहमान, अब दूर नहीं है संदेश भेजना, तो अब्दुल रहमान इसकी रचनाकार हैं, और इन्हें अद्दहमाण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्दहमाण। याद रख लेना, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। महापुराण की रचयिता कौन है दोस्तों? महापुराण। अब एक चीज याद रख लेना, पुराण है तो ठीक है आप पढ़ लो, लेकिन महापुराण है तो उस पर जरा पुष्प उस पर अर्पित कर देना, पुष्प अर्पित करके ही उस महापुराण को पढ़ना है। तो महापुराण के रचयिता कौन होंगे? क्योंकि पुराण हो तो आप ऐसे पढ़ लो, महापुराण है तो उस पर पुष्प अर्पित करो फिर पढ़ो, तो महापुराण के रचयिता हो जाएंगे पुष्पदंत। यानी कि जो आपका एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पुष्पदंत आपका बिल्कुल सही है। अगला बताना है दोस्तों, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन। अब दोस्तों साहित्य का अगर इतिहास का दर्शन करना है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लोचन। यानी कि आपके पास आप जो दर्शन करोगे आप लोचन से करोगे, तो साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन होंगे? कौन होंगे? नलिन बिलोचन, यानी कि लोचन शर्मा। तो आप लोचन से क्या करोगे? दर्शन करोगे साहित्य इतिहास का। तो सी नंबर आपका सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताना दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है? 4 विकल्प हैं और 2 सेकंड में आप अपना उत्तर बताएंगे। मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं कि हिंदी का जो खड़ी बोली का प्रथम कवि होगा वो खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर होगा कि गरीब होगा? अमीर होगा ना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि गरीब नहीं होगा, वो अमीर होगा, है ना। तो कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर ही होगा, तो अमीर खुसरो। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब दोस्तों आपको बताना है ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है, और मैं आपको हिंट दे रहा हूं और 2 सेकंड में आप उत्तर बताएंगे। और आपको ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों कि ढोला मारूरा दोहा, तो ढोला से क्या लग रहा? ढोल। ढोला से क्या लग रहा? ढोल। और ढोल कौन बजाएगा? हम और आप बजाएंगे क्या ढोल? नहीं बजाएंगे ना। जो ढोल बजाने में कुशल होगा, जो ढोल बजाने में कुशल होगा वही ढोल बजाएगा, है ना। तो ढोला से ढोल और ढोला मारूरा दूहा के जो रचनाकार हो जाएंगे वो कुशल लाभ, क्योंकि जो कुशल होगा वही ढोल बजाएगा। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कल्लोल कवि, अगर इस ऑप्शन में कुशल लाभ की जगह कल्लोल कवि होता तो कल्लोल कवि भी ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार है, मतलब उनकी भी रचना है और इनकी भी रचना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अगला आपको बताना है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से बताना है, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, विद्यापति को, दामोदर को, या फिर लक्ष्मीधर को? तो दोस्तों एक चीज बताना जरा कि जिसमें विद्या होगी, विद्या होगी तो वो कोकिल के जैसा बोलेगा, मीठा बोलेगा। आप बोलते ना किसी किसी की आवाज़ इतनी मीठी होती है कि सर इसकी आवाज़ तो बहुत मीठी है, बिल्कुल कोकिल जैसी, है ना। तो जिसमें विद्या होगी वह मीठा बोलेगा कोकिल जैसा, तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाएगा? जिसमें विद्या होगी यानी कि विद्यापति। ठीक है, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी रचना है दोस्तों, एक रचना है इनकी कीर्ति पताका, है ना, कौन सी है? पताका। और दूसरी है इनकी कीर्ति लता, ठीक है, और तीसरी है इनकी पदावली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये जो पदावली रचना है ये किसमें है? मैथिली में है। कौन सी भाषा में है? ये मैथिली भाषा में है। ठीक है, और इनकी जो कीर्ति पताका और कीर्ति लता है ये अवहट्ट भाषा में है।
तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, परमाल रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों। परमाल रासो, अब परमाल रासो को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आला खंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आला खंड। और आपने देखा होगा कि गाँव गाँव में अगर आला हो रहा है तो व्यक्ति सोता है कि जगता है, जल्दी बताओ, जगता है ना। अगर आला हो रहा है तो व्यक्ति जगता है, तो आला खंड की रचयिता कौन होंगे? जगनिक। और ऐसे भी याद रखें जैसे परमाल यानी कि दूसरों का माल, दूसरों की जो सामग्री है उसको अगर चोर चुराते हैं तो क्या करते हैं? जगते हैं, रात में जगते हैं, तो भी जगनिक आपका आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाल को चुराना है तो जगना पड़ेगा, तो जगनिक है ना। इस प्रकार से अगला बताना है दोस्तों, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है। अभी हमने पढ़ा था कि संदेश राशक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। लेकिन ये किस प्रकार का काव्य है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक चीज बताना दोस्तों, अब आप मोबाइल में क्या भेजते हो? कभी कभी संदेश भेजते हो, संदेश हमेशा भेजते हो, व्हाट्सअप चल गया आप तो, है ना, संदेश भेजते हो तो कभी कभी आपका संदेश क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। बोले ये तो गया ही नहीं यार, खंडित हो गया, खंडित हो गया ना। क्या खंडित हो गया? संदेश खंडित हो गया। तो ये संदेश राशक जो काव्य है ये कौन सा होगा? खंड काव्य। कौन सा होगा? खंड काव्य। तो याद रख लेंगे, संदेश खंड हो गया, खंडित हो गया तो खंड काव्य है ना, अब्दुल रहमान का ये जो है ग्रंथ माना जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों एक चैलेंज प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है, और साथ ही कमेंट के माध्यम से बता देना है कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, सारे के सारे प्रश्न याद हो गए और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार की अगर आप ट्रिक चाहते हो तो जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है सभी लोग एक कमेंट प्रोत्साहन के माध्यम से लिखेंगे और एक कमेंट इस चैलेंज प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है ये आपको लिखना है, इसका उत्तर आपको बताना है। इसी प्रकार से जितनी भी आपकी रचनाएं होंगी, जितने भी प्रश्न हिंदी साहित्य के होंगे, सारे के सारे प्रश्न मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित तो पूछा ही जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अष्टछाप की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। अष्टछाप की स्थापना हुई दोस्तों 1565 ईस्वी में। किसने की? तो विट्ठलनाथ ने की। ठीक है, किसने? विट्ठलनाथ ने की। और विट्ठलनाथ के जो पिता थे दोस्तों वो कौन थे? बल्लवाचार्य। कौन थे? बल्लवाचार्य। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, ये बल्लवाचार्य थे। और बल्लवाचार्य दोस्तों के गुरु कौन थे? तो विष्णु स्वामी थे। ठीक है, और बल्लवाचार्य के कितने शिष्य थे? तो चार शिष्य थे जो अष्टछाप में है ना विट्ठलनाथ ने लिए थे, चार शिष्य ने, और चार शिष्य कौन थे? विट्ठलनाथ के। तो इस प्रकार से अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में, और की थी किसने? विट्ठलनाथ ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप है अपना, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, उसमें सर्च करना IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना। साथ ही ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो हिंदी साहित्य का व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उस ग्रुप से आपको अगर जुड़ना है तो आपको 9098609291 इस पर आप मैसेज करोगे, आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम में आपको जुड़ना है तो सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन सर्च करना है, फेसबुक में भी जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सर्च करना है। अब दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना। ठीक है, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक आपको जरूर करना है ताकि ऑल वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, अब आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही, वीडियो को लाइक करें और शेयर अपने मित्रों तक जरूर करें। जय हिंद।